समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं। कौन थे किंग उदयन? हमने हिस्ट्री में हरकन्या डायनेस्टी के बारे में तो सुना ही होगा, जो बुद्धों और जैनों की एक अहम डायनेस्टी में से एक थी। एंशिएंट इंडिया के इस एरा में हरकन्या डायनेस्टी, जो डायनेस्टी ऑफ मगधा की थर्ड रूलिंग डायनेस्टी थी, उसे एंशिएंट इंडिया का एम्पायर कहा जाता है। और उसके रूलर थे बिंबिसारा, जिनके पिता ने उन्हें 15 साल की उम्र में ही एक राजा घोषित कर दिया था। उसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने इस पर राज किया और कहा जाता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता यानी महाराज बिंबिसारा को मरवा दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उनका राज करने का तरीका गलत है। अजातशत्रु को भले ही अपने पिता का हत्यारा कहा जाता हो, लेकिन उनके राज में ये डायनेस्टी सबसे ज्यादा आगे बढ़ी थी। उन्होंने कोसाला की राजकुमारी वजीरा से विवाह किया और उनके बेटे का नाम था उदयन, जिन्हें उदयभद्र भी कहा जाता है, जो अजातशत्रु के सक्सेसर थे और इस डायनेस्टी के चौथे किंग थे, जिन्होंने 460 से 440 BCE तक हरकन्या डायनेस्टी पर राज किया। कहा जाता है कि उन्होंने मेनली जैन ट्रेडिशंस को ही फॉलो किया और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक नए डायनेस्टी का निर्माण किया जब उन्होंने अपने राज्य का कैपिटल पाटलिपुत्र को चुना। कहा जाता है कि उदयन अजातशत्रु का फेवरेट बेटा था और वो अपने ग्रैंडफादर बिंबिसारा के राज के दौरान मौजूद था, और जब उसके पिता अजातशत्रु गौतम बुद्धा से मिले तब उदयन एक यंग प्रिंस था। उदयन अपने पिता और दादा से बिल्कुल अलग ही राजा था और उसने कई बार अवंती के पलाका को हराया था। दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स थे और अंत में एक बड़े युद्ध के बाद अवंती ने उदयन को मार दिया और उसके राज्य पर कब्जा किया। उदयन की कहानी काफी दिलचस्प है। उसने बचपन से ही अपने दादा बिंबिसारा को राज करते देखा और बड़े होते होते उसने अपने पिता पर अपने ही पिता को मार डालने के आरोप लगते हुए देखा, और जब उसने राज्य संभाला तब उसे दर्शाका, जिन्हें नाग भी कहा जाता है, उनसे अपना हक पाने की कोशिश की। और जब वो अपने राज्य पर राज कर रहा था तब उसे अवंती जैसे राजा से युद्ध करना पड़ा। उसकी कहानी में फैमिली ड्रामा अपने आप को सही साबित करना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना और गौतम बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलना, ये सब था, और इसलिए उनकी इस कहानी पर बन सकती है बाहुबली। और हमें एंशिएंट इंडिया की सबसे बड़ी हरकन्या डायनेस्टी के महाराजाओं के बारे में बताया जाने वाला है, जिनका नाम तो हमने हिस्ट्री में सुना है लेकिन इनकी कहानी भी अभी सुननी बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या एंशिएंट इंडिया की लॉस्ट डायनेस्टी पर बन सकती है बाहुबली 3? और अगर बनती है तो कैसा होगा प्रभास का नया लुक? इस पर आप अपने ख्याल हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।